So, good afternoon to one and all present here. I'm Asha Krishna Singhania and you are watching Learning Passion. So, hello guys. मैंने आपको कहा था कि मैं 9th standard के SST portion को आपके साथ यहाँ पे provide करूँगा मेरे इस channel पे and I will definitely do that. So, आप मेरे साथ जब से join हुए हैं तब से आपने मेरे सारे videos देख लिए होंगे सब मैं accept करता हूँ and आज हम आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे. हमने आज अभी तक फर्स्ट टॉपिक और इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का. अगर आपने किसी ने मेरा वो वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ देख ले, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑब्वियसली प्रोवाइड करूँगा एंड डेफिनेटली यू शुड वॉच देम. अगर आप वो नहीं देखेंगे तो आपको अभी की आगे की स्टोरी समझ में नहीं आएगी. वॉट स्टोरी? यस डेफिनेटली स्टोरी, बिकॉज हिस्ट्री when learn according to story it makes it more interesting and lovable. So guys let's continue. तो चलिए हम शुरू करते हैं. let's first revise हमने अभी तक क्या पढ़ा था हमारे इस चैनल पे. तो हमने इंट्रोडक्शन देखा जिसमें हमने देखा कि लोगों ने कैसे बेस्ट स्टाइल को तोड़ दिया अपने गुस्से और एंगर के कारण. एंड देन वी सॉ द टॉपिक वन वेयर वी सॉ दैट कि कैसे लुई 16 राजा बने, लुई 16 की ट्रेजरी खाली क्यों थी हमने वो भी देखा. हमने ये भी देखा, लेट मी सी फर्स्ट टू गेट यू क्लियर. हमने फिर देखा कि जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो कैसे तीन पार्ट्स में डिवाइडेड थी, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट. हमने देखा कि थर्ड स्टेट को कितने अलग अलग टाइप के टैक्सेस पे करना पड़ता था, उनके साथ एक तरीके से कितना अत्याचार होता था. देन वी सॉ द स्ट्रगल टू सर्वाइव, जिसमें हमने सबसिस्टेंस क्राइसिस देखा, कैसे गुड्स की प्राइस राइज हो गए हमने वो भी देखा. फिर हमने देखा कि मिडिल क्लास क्या था जिन्होंने ओवरसीज ट्रेड स्टार्ट किया था ऑफ थर्ड स्टेट. देन वी सॉ सम फिलोसोफर्स ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी जैसे जॉन लॉक, जैक्यूसी, रूसो, मॉन्टेस्क्यू. हमने उनकी फिलोसॉफी देखी और ये कितने ग्रेट फिलोसोफर थे हमने वो भी देखा. एंड वी सॉ कि कैसे यूएसए ने इनके इस फिलोसॉफी को एक्सेप्ट किया बट नॉट फ्रांस एक्सेप्टेड इट. एंड देन नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड टॉपिक दैट इज द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन. ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड है और मुझे काफ़ी पसंद है बिकॉज ये एक ट्रू तरीके से दिखाता है कि पहले सोसाइटी कैसी थी और कैसे जो लोअर कास्ट के लोग रहते थे उनके साथ कैसे इंसल्टिंग बिहेव किया जाता था. लेट्स स्टार्ट. सो लेट अस सी, हमने देखा था कि कुछ रीजंस जो लुई 16 के अकॉर्डिंग कि उनकी ट्रेजरी क्यों खाली थी हमने वो देखा. एंड देन वी सॉ कि उन पर 2 बिलियन लीवर्स का डेप्थ पड़ा था जो उन्हें चुकाना था बाय इंक्रीजिंग द टैक्सेस. सो नाउ लेट अस सी दैट व्हाई व्हाट ही डिड टू इंक्रीज टैक्सेस. सो लुई 16 ने ये प्लान तो ऑब्वियसली कर लिया था कि वो टैक्सेस बढ़ाने वाले, पर फ्रांस में एक सिस्टम थी जिसके अकॉर्डिंग कोई राजा खुद की विल पे अकेले कोई टैक्सेस इंक्रीज नहीं कर सकता था. तो ये कैसे हुआ? तो यस, अब उनकी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे अमेंडमेंट्स हो के कि उसके अकॉर्डिंग राजा खुद की मर्जी से टैक्सेस अलॉट या फिर बढ़ा नहीं सकता. उसके लिए उन्हें जितने भी एस्टेट्स थे यानी क्लर्जी, नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट्स, उन सब के साथ एक बैठक यानी एक मीटिंग करनी पड़ती थी और उस मीटिंग के अकॉर्डिंग वो लोग डिसाइड करते थे कि अब टैक्सेस बढ़ाना है कि नहीं. ओके, सो दिस वॉज ऐसी उनकी लास्ट मीटिंग कब हुई थी? 1614. और अब लुई 16 कर रहे थे ये मीटिंग. तो ऑन 5th May 1789 लुई 16 ने सबको प्रपोजल भेजा और सबको बुलाया कि तुम लोग चलो जल्दी से वर्सालिस आ जाओ, अब हमें टैक्सेस बढ़ाने की एक छोटी सी मीटिंग करनी है. तो उसमें क्या था, सबको लेटर्स तो भेज दिए उन्होंने, तो उसमें सब स्टेट के कुछ कुछ लोग आए. तो अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक उसमें फर्स्ट स्टेट के यानी क्लर्जी के 300 लोग आए, 300 रिप्रेजेंटेटिव्स भी से. लोग पूरे फ्रांस में सिर्फ 300 तो ही ना थे, लोग क्लर्जी थे तो लाखों, पर उनके 300 ही लोग आए थे एज ए रिप्रेजेंटेटिव. रिप्रेजेंटेटिव मतलब हमारे इंडिया में भी कैसे डेमोक्रेसी होती है, वी हैड रिप्रेजेंटेटिव एज नरेंद्र मोदी हमारे कि इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं इन फ्रंट ऑफ ऑल कंट्री. हाउ वी इलेक्टेड देम? बाय वोटिंग. वैसे ही क्लर्जी स्टेट ने थ्रू वोटिंग और थ्रू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कुछ 300 लोगों का ऐसा रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया था. वैसे ही नोबिलिटी ने 300 किया और ये दोनों आमने सामने मस्त चेयर पे बैठे थे. पर जो थर्ड स्टेट थे वो थे 600 लोग, पर वो 300 नोबिलिटी के पीछे खड़े थे और 300 क्लर्जी के पीछे.
उन्हें बैठने की जगह नहीं दी गई, ना ही कोई स्पेशल इंपॉर्टेंस दिया गया सबके सामने बैठने का। यू कैन सी हाउ दे वर ट्रीटेड। और ऐसे में जो ल्यू 16 है, उन्होंने अपना प्रपोज किया आइडिया कि अब हमें टैक्सेस जो है बढ़ाने पड़े, क्योंकि हमारे पास डेप्थ बहुत है और डेप्थ चुकाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम टैक्सेस बढ़ाएं, जिससे अर्निंग हमारी ज़्यादा हो और हम टैक्सेस के द्वारा हमारे डेप्थ क्लियर कर दें। और थर्ड स्टेट में जो थे, उस थर्ड स्टेट के जो 600 लोग थे ना, वो 600 लोग ऑल कंबाइंड नहीं थे, मतलब वो 600 लोग में सिर्फ जो थर्ड स्टेट में एजुकेटेड है वही लोग थे, यानी इसी से लॉयर्स, प्रोफेसर्स, सिर्फ वो लोग ही, पीजेंट्स, वीमेंस, बच्चों, इनको अलाउ नहीं था असेंबली में आना, बिकॉज दे आर अनएजुकेटेड एंड अनक्लासिक। ओके, फिर भी इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक 40,000 ये जो रिप्रेजेंटेटिव थे ना, उन्होंने अपने साथ एक लेटर लेके आता, 40,000 लेटर्स लाए थे उनके लोगों के, जो रिप्रेजेंट करते थे कि हमारे लोगों को ये प्रॉब्लम्स है, आप ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा करोगे तो हमें क्या क्या नुकसान हो रहा है, हम कैसी कंडीशन में जी रहे हैं आज। उन्होंने ऐसे करते करते एक 40,000 लेटर्स का बड़ा सा बंडल लेके आया था कंप्लेन करने को कि देखो तुम कितने गंदे हो, तुम कितने बदमाश हो, और तुम्हारी गवर्नमेंट कितनी खड़ूस और नालायक है। सॉरी मैं कुछ ज़्यादा बोल गया, पर मन में तो उनके यही था। ठीक है, वन थिंग विच आई वुड लाइक टू से इन बिटवीन, मैं स्टार्टिंग में बोलना भूल गया कि मैं जो भी आपको ये पढ़ा रहा हूँ वो आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं कोई भी कम्युनिटी को इसके मैं इस वीडियो द्वारा पॉइंट आउट नहीं कर रहा, मैं आपकी टेक्स्ट बुक में जो नॉलेज प्रोवाइडेड है मैं आपके साथ वही शेयर कर रहा हूँ। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। तो हमने देखा कि उन्होंने कैसे वो लेटर में अपनी कंप्लेन लिख के लाई। नाउ जो स्टेट जनरल थी, जो मीटिंग थी ना, उसका एक वोटिंग का तरीका था। हाउ डू दे वोट, वो लोग वोट ऐसे करते थे कि हर एक जो स्टेट था, कितने स्टेट थे, तीन, एक था क्लर्जी, एक था नोबिलिटी और एक था थर्ड स्टेट। तो ये जो तीन स्टेट थे, तो इसमें हर एक स्टेट के पास एक एक वोट था, एक एक पर्सन के पास नहीं, एक एक स्टेट, यानी तीन ग्रुप थे तो तीन ग्रुप के तीन वोट, बस इतने ही वोट थे। ठीक है, और इस तरह से वो लोग वोट करते थे, और लुई 16 ने भी यही प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखने का सोचा। पर जो थर्ड मेंबर्स की स्टेट थे, जो थर्ड में स्टेट के मेंबर्स थे, उन्होंने इसे डिनाई किया। उनका बोलना था वी शुड हैव वोटिंग एज पर वन पर्सन वन वोट, जो जैक्यूसी रूसो बोलते थे, अपनी उनकी बुक का नाम भी यहाँ पे मेंशन है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और उन्होंने यही तरीका फॉलो करना चाहिए, ऐसा थर्ड स्टेट के लोगों का बोलना था। ओके, पर इसमें आप देखिए, आपकी टेस्ट बुक मेंशन नहीं है, बट आई विल शेयर इट विद यू। इसमें गलती थर्ड स्टेट वालों की नहीं थी। अब देखिए, फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट, यानी क्लर्जी और नोबिलिटी, तो यस यस बोल देंगे कि टैक्सेस बढ़ा दो, क्योंकि उनका तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, उल्टा तो उन्हें टैक्सेस तो मिल ही रहा है, प्लस और टैक्सेस बढ़ जाएगा तो उन्हें और ज़्यादा पैसे मिलेंगे, और उन्हें तो टैक्स देना ही नहीं है, तो उनको टैक्स बढ़ाने से कोई प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं। तो क्लर्जी ने हाँ बोल दिया, नोबिलिटी ने हाँ बोल दिया, डिनाय कौन करेगा? सिर्फ थर्ड स्टेट, यानी वन नो। तो क्या हो गया, दो यस वन नो, मेजोरिटी किस पक्ष में? यस में। तो क्या होगा, होगा ये कि टैक्सेस इंक्रीज हो जाएंगे, और अब इसका भुगतान कौन करेगा? थर्ड स्टेट। वेरी बैड ना, दैट्स व्हाई थर्ड स्टेट अपोज दैट रूल एंड दे सेड इट शुड बी वन पर्सन वन वोट, और इसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। और जब रूल 16 ने इन्हें डिनाई कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, फ्रेंच नेशन का रूल है वन स्टेट वन वोट, नॉट वन पर्सन वन वोट, तो उन्होंने गुस्से में जो वर्सेलिस का जो टाउन था, वो जो जिधर हॉल में जिनकी बैठक चल रही थी, वो हॉल छोड़ के सब चले गए नारे लगाते हुए कि थर्ड स्टेट जिंदाबाद, थर्ड स्टेट जिंदाबाद, ऐसे करके चले गए। और फिर उन्होंने डिसाइड किया वो कि अब वो खुद मिलकर, सब जन मिलकर फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेंगे। ओके, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, 20 जून को वो लोग जो वर्सेलिस जो उनका टाउन का महल था राजा का, उसका जो इंडोर टेनिस कोर्ट था, वहाँ पे सब जन जमा हो गए, एंड दे टूक अ ओथ कि अब हम मिलकर फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉप करेंगे। एंड उनका मेन इसका मोटिव क्या था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क, यानी
अब सिर्फ मोनार्क ही पूरा देश कंट्रोल नहीं करेगा, अब लोग और मोनार्क मिलके पूरे देश को कंट्रोल करेंगे, लाइक अ डेमोक्रेसी। ओके, वो इनडायरेक्टली डेमोक्रेसी लाना चाहते थे। इनके साथ दो ग्रेट पर्सनैलिटी और जुड़ी, वो कौन थे? मीराबाऊ एंड एबिसियास। मीराबाऊ थे, वो थे नोबिलिटी। अब आप सोचोगे नोबिलिटी होके भी क्यों इन थर्ड स्टेट के साथ जुड़े, सो दैट्स द रीजन इज कि मीराबाऊ जो थे उनका मानना ये था कि जो नोबिलिटी को एज अ बर्थ प्रिविलेज मिलते थे वो नहीं मिलना चाहिए। ही वॉज इन फेवर ऑफ थर्ड स्टेट कि वी शुड गेट प्रिविलेजेस ऑन द बेसिस ऑफ अ मेरिट, हमारे अचीवमेंट के बेसिस पे हमें जो प्रिविलेजेस मिलने चाहिए, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। एंड जो एपीसीएस थे वो तो थे थर्ड स्टेट के ही, बट उन्होंने एक पैम्पलेट लिखना, सॉरी एपीसीएस, सॉरी सॉरी एपीसीएस वाज नॉट ऑफ थर्ड स्टेट, एपीसीएस वाज अ क्लर्जी। ओके, माय मिस्टेक, एपीसीएस वाज अ क्लर्जी मैन, ठीक है। और वो एक इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट, इन्फ्लुएंशियल मतलब मोटिवेट करने वाला, इंस्पिरेशनल पैम्पलेट लिखते थे कॉल्ड व्हाट इज अ थर्ड स्टेट। अब आप समझ सकते हो क्या लिखते हो कि उसमें थर्ड स्टेट कितना महान है, थर्ड स्टेट ने कितने कितने त्याग किए, थर्ड स्टेट ने कैसे बुरे दिन देखे, कैसे उन्हें खून के आंसू रुलाए गए, ऐसा हम सोच सकते हैं कि उनके साथ हुआ। ओके, अब जो नेशनल असेंबली थी, नेशनल असेंबली बोले तो कौन? थर्ड स्टेट के वो लोग जो मिलके इंडोर टेनिस कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रहे थे, ठीक है। वो तो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में बिजी हो गए, पर फ्रांस में क्या चालू था? फ्रांस में कुछ ऐसा था कि हमने देख, ये हुआ कि वहां पे विंटर बहुत ज्यादा हो गई, मतलब स्नोफॉल बहुत ज्यादा हो गई, जिससे उनका हार्वेस्ट जो था, अब वो लोग हार्वेस्ट ज्यादा क्या करते थे? वीट, क्योंकि उन्हें ब्रेड ऐसा, उनका जो ब्रेड था वो ऐसा स्टेपल डाइट था, तो उससे क्या हो गया, जो वीट का पूरा ये था फार्म सब डिस्ट्रॉय हो गया, और प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन बहुत ही कम हुआ उस साल। उससे क्या हो गया कि जो बेकर से उन्होंने अपना लालच देखा, लालच, हाँ बेकर्स ने भी लालच किया। व्हाट दे डिड, जितना भी ब्रेड प्रोड्यूस करते थे ना, उसका आधा ही सेलिंग पे निकालते थे वो लोग। यानी समझ लीजिए, अगर उन्होंने 100 ब्रेड प्रोड्यूस की है तो उसे 50 ही निकालते थे सेलिंग पे। तो ऐसा क्यों करते थे? ऐसा इसलिए क्योंकि खरीदने वाले तो बहुत से लोग थे और ब्रेड थे सिर्फ 50, तो क्या करते थे? हाई प्राइसेस पे बेचते थे, हाई प्राइसेस पे बेचते थे। तो उससे क्या होता था, जो थर्ड स्टेट के मोस्टली लोग थे वो खरीद नहीं पाते थे, और एज अ जो स्टेपल डाइट था तो मजबूरी में कोई लोग उसे खरीद ही लेते कि अब उसके अलावा और क्या खाएंगे हम लोग। तो इससे क्या हो गया कि सब जो भी विमेन्स, ऐसा रहता है ना कि मेन काम पे जाते हैं और विमेन घर के काम देखती है, तो विमेन हु वाज लुकिंग आफ्टर हाउस होल्ड वर्क व्हाट शी हैड डन, वो लोग बहुत गुस्सा हो गए। उन्हें इतना गुस्सा आया उस खड़ूस बेकर पे कि तुम्हारी ये हिम्मत, तुम हमारे साथ ही धोखा कर रहे हो, और इसलिए उन्होंने उससे बदला निकाला। एंड व्हाट दे डिड, गए उसकी दुकान में तोड़ फोड़ के सब उसका अनाज लूट लिए, उसकी ब्रेड लूट लिए। ओके, यू कैन सी हियर। एंड उससे लुई 16 को पता चला, उन्होंने इसे कंट्रोल करने के लिए अपनी आर्मी भेजी थी, और हमने स्टार्टिंग में देखा चैप्टर के इंट्रोडक्शन में कि रूमर फैली थी कि वो आर्मी जो है ओपन फायर करने वाली है सब पे। एंड इसलिए क्या हुआ, इसलिए 14 जुलाई 1791 में उन्होंने बेस्टेल को डिस्ट्रॉय किया, और उसके स्टोन के फ्रैगमेंट अपने वाहवाही के तौर पे मार्केट में बेचे। ओके, एक चीज बीच में कि मैं आपको था, मैं आपको मैप्स बताऊंगा चैप्टर के, तो ये जो मैप है ना, इट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। आप अगर आपकी प्री मिड टर्म एग्जाम जो रहेगी उसमें यही मैप पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक जो कॉमन लोकेशन जो पूछा जाता है वो है पेरिस। ये पेरिस आपको दिख रहा है यहाँ पे, मेरा पॉइंटर की तरफ देखिए, आपको यहाँ पे पेरिस दिख रहा होगा, तो ठीक है। ये पेरिस जो है एक मेन जगह है जो पूछी जाती है इन पेपर, बट आपको और भी बहुत सारे लोकेशन से जो इसमें पूछे जाएंगे वो मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगा। और कंट्री साइड, मैंने आपको कल कंट्री साइड बताया था पिछले वीडियो में, कंट्री साइड का मतलब क्या होता है, तो कंट्री साइड में ऐसी र्यूमर फैली कि दैट की मैनोर, अब मैनोर क्या होता है, यहाँ पे आपको नीचे डेफिनेशन दिखेगी मैनोर की, एन एस्टेट कंसिस्टिंग ऑफ अ लॉर्ड्स लैंड एंड हिज मैंशन। मैनोर मतलब कि हमारे यहाँ पे तहसीलदार होता है ना हर एक एरिया में, हर एक सिटी का, कि वो पर्सन
वो आपका पूरा काम संभालेगा, ठीक है। इफ आई से ऑफ, अगर समझ लीजिए पूरी एक वर्ल्ड जो है, एक वर्ल्ड, एक पूरी वर्ल्ड है, ठीक है, उसमें उन्होंने क्या किया, नरेंद्र मोदी को एक इंडिया संभालने को दे दिया। सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझना है तो म्यांमार का मतलब, ठीक है, पूरी वर्ल्ड एक है और उसका जो मेन हेड है उसने क्या किया, नरेंद्र मोदी को पूरी इंडिया को संभालने को दे दिया फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। तो आपको म्यांमार का मतलब समझा कि एक रीजन का एक पर्सन अपॉइंट कर देना जो वहाँ का पूरा देखभाल करेगा, तो ऐसा म्यांमार का मतलब है। तो ऐसी अफवाह फैली, ठीक है, र्यूमर इट वॉज अगेन, बहुत रूमर फैलती थी फ्रांस में, लोगों को कुछ काम ही नहीं था, रूमर मतलब अफवाह, ओके। तो म्यांमार ने हायर किया बैंड्स ऑफ ब्रिगेड्स, मतलब लुटेरे को, लुटेरे, बैंड्स ऑफ ब्रिगेड्स मतलब लुटेरे को हायर किया है, जो उनके राइस, जो उनके राइप क्रॉप है, जितने भी क्रॉप बचे हैं ना उन्हें डिस्ट्रॉय कर दो। हाँ ऐसे हो भी सकता है। तो इससे क्या हुआ, जितने भी पीसेंट्स थे कंट्री साइड के, वो सब डर गए कि पहले तो हमारे पास पैसे है नहीं, ये क्रॉप बेच के हम थोड़ा बहुत पैसा कमाएंगे, पर अगर वो भी क्रॉप चले जाएगा तो हम पैसे कैसे लाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, गुस्से में आके म्यांमार के घर पे ना हमला कर दिया, ठीक है। और उसे क्या बोलते हैं, म्यांमार के घर को चैटियूस, देखो चैटियूस क्या है, कैसल ऑफ स्टेली रेसिडेंस बिलोंगिंग टू किंग और अ नोबल मैन। मैं आपको बताया तहसीलदार जो एरिया संभालता है उसका घर चैटियूस, उस पर हमला कर दिया। तो वहां पे जितना भी थोड़ा बहुत अनाज स्टोर करके था उन्होंने वो तो चुरा ही लिया, साथ में दिमाग का भी एक काम किया उन्होंने, क्या किया, जो जो तहसीलदार था वो क्या लेता है, डिफरेंट डिफरेंट ड्यूज लेता है, टैक्सेस लेता है। तो अगर समझो अगर मैंने टैक्स नहीं पे किया तो वो क्या करेगा, टैक्स लिख के रखेगा कि मेरे को इससे इतना इतना टैक्स लेना है, ठीक है। तो उसने जो भी बुक में वो लिख के रखा था ना कि उसे किससे कितना टैक्स लेना है, इन लोगों ने वो बुक्स भी चला दी। तो इससे कोई एविडेंस ही नहीं रहा वहाँ पे। देखो यहाँ पे लिखा है बर्न डाउन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग मैनोरियल ड्यूज, उनको मैनोर को जितने भी ड्यूज देने थे वो बुक जिस जिस बुक में वो लिखा था ना सब जला दिया। बहुत ही चालाक लोग थे। इससे क्या हुआ, सबको पता चल गया कि हाँ ये जो फ्रांस है यहाँ पे थर्ड स्टेट की वैल्यू नहीं है, यहाँ पे पीजेंट्स, एग्रीकल्चर फार्मर्स या फिर जो छोटे मोटे लोग हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इन्होंने कंट्री साइड छोड़ दिया और आसपास की कोई नेबरिंग कंट्री में जाके रहने लग गए। अब राजा डर गए, बड़ा डरपोक राजा था वो, जल्दी डर गया। तो लुई 16 बहुत डर गए और उन्हें डर लगने लग गया कि अब अगर मैंने कोई एक्शन नहीं लिया, फिर मैंने इनकी डिमांड्स एक्सेप्ट नहीं की तो ये तो मुझे भी मार देंगे और कुछ ना कुछ तकड़म करेंगे, तिकड़म सॉरी। तो उन्होंने फाइनली नेशनल असेंबली के साथ एक मीट की और ही एक्सेप्टेड कि जो पावर्स है वो, जो उनकी पावर्स है वो चेक की जाएगी। अब जो गवर्नमेंट है वो राजा और पीपल दोनों साथ में मिलके चलाएंगे। होशियार था राजा, मान लिया जल्दी से, नहीं तो खुद की मौत का रीजन बन जाता। सो ऑन नाइट 4 अगस्त 1789 उन्होंने क्या किया, नेशनल असेंबली में डिक्री यानी इफ आई से वन स्टेटमेंट डिक्लेयर किया कि आज से मैन अबोलिशिंग ऑल द फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था क्या रहता, और जो फ्यूडल सिस्टम के प्रिविलेजेस वो किसके पास थे, क्लर्जी और नोबिलिटी के पास। तो वो सिस्टम जो फ्यूडल प्रिविलेजेस थे आज से एग्जिस्ट नहीं करेंगे, यानी अब से थर्ड स्टेट वालों को तिथि टेली ऐसे जो टैक्सेस थे वो पे नहीं करने पड़ेंगे। एंड जो हमने स्टार्टिंग में ये भी देखा था कि मोर देन 60% ऑफ द लैंड किसके कंट्रोल में थी, क्लर्जी लोगों के। तो इन्होंने क्या किया, वो सारी लैंड हत्या ली और उसे ऑक्शन द्वारा बेच दी। और बेच के किया क्या, अरे वाह बहुत सारा पैसा आया होगा ना इतना सा बेच के, क्या फायदा पैसे का, उससे उन्होंने पूरा लोन चुकाया पहले, ठीक है। एंड इससे क्या हुआ, फ्रांस जो था अब डेब्ट फ्री हो चुका था। सो ग्रेट वर्क डन बाय थर्ड स्टेट। अब हमने देखा पिछले इसमें कि राजा ने एक्सेप्ट कर लिया था, नेशनल असेंबली ने जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए थे, इससे अब क्या हुआ, फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। सो नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1791। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना कोई आसान बात नहीं है, और अगर आप नए, अगर आप फर्स्ट टाइम ड्राफ्ट करो तो इट टेक्स अ टाइम। इंडिया को भी 3 साल लगे थे ड्राफ्ट करने को, ठीक है। तो
जब तो वो 1947 था, ये तो 1791 की पहले की बात है, तो और भी टाइम लगा होगा। इसलिए उन्होंने उन्हें थोड़ा टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में। और इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था कि जो मोना की पावर्स है उसे लिमिट कर दिया जाए। लिमिट मतलब कि अब आधे जो पावर्स है वो पीपल के पास रह गया और आधे पावर्स जो है अब किंग के पास रह गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो पावर्स है एक हाथ में नहीं रहेगी पूरी। इफ आई एम अ मोना तो सारी पावर्स अब मेरे में एग्जिस्ट नहीं करेगी, मेरे पास सारी पावर्स एग्जिस्ट नहीं करेगी। मेरे साथ जितने भी लोग काम कर रहे हैं मैं उन्हें थोड़ी थोड़ी पावर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। जैसे हम अगर कहें इंडियन गवर्नमेंट का, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप ये कभी देखा है क्या कि नरेंद्र मोदी जी ही सब कुछ संभालते हैं? नहीं, वर्क इज डिवाइडेड ना। कोई रेलवे देख रहा है, कोई ट्रांसपोर्टेशन देख रहा है, कोई रोड का देख रहा है, तो कोई विमेन सेफ्टी देख रहा है, कोई एजुकेशन का देख रहा है। तो क्या हुआ, इन्होंने वर्क डिवाइड कर दिया। वही इधर भी लिखा है कि पावर्स जो थी अब एक हैंड में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं थी, पावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। ओके, और वो मिनिस्ट्री क्या आती है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेचर मतलब कौन, जो लॉस बनाता सिंपल भाषा में, एग्जीक्यूटिव मतलब जो लॉस इंप्लीमेंट करता है, जुडिशियरी जो लॉ तोड़ता है उसे पनिश करता है। दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ये अच्छा ग्राफ है जो बहुत अच्छे से आपको समझाता है कि उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की जो सिस्टम था वो कैसा था। ओके, तो ये एक्टिव सिटीजन पैसिव सिटीजन्स मैं आपको बताऊँ तो क्या है। एक्टिव सिटीजन्स मतलब जिन्हें वोटिंग का राइट था वहाँ पे। वोटिंग का राइट मतलब क्या सबको वोटिंग राइट नहीं था? नहीं, उन्होंने ऐसा क्यों किया वो तो नहीं पता, बट अकॉर्डिंग टू देम जो भी पर्सन एटलीस्ट उसकी 3 दिन की पगार एज अ टैक्स पे करेगा उसे ही सिर्फ वोटिंग राइट रहेगा। जो पर्सन एटलीस्ट उसकी 3 दिन की पगार जितना पैसा एज अ टैक्स पे करेगा टू गवर्नमेंट सिर्फ वही एक्टिव सिटीजन कहलाएगा और उसके पास ही वोटिंग राइट्स रहेंगे। और पैसिव सिटीजन्स कौन, जो टैक्स पे नहीं करते वो पैसिव सिटीजन्स में विद नो वोटिंग राइट्स। तो इसमें सबसे पहले कौन आएगी, वुमेन। यस, वुमेन को तो वर्क करना अलाउ ही नहीं था, इसलिए वुमेन्स डिड नॉट हैड वोटिंग राइट्स, इवन चाइल्ड डिसेंट हैड। एंड वन मोर थिंग, एक्टिव सिटीजन बनने के लिए आपको एटलीस्ट 25 साल की उम्र होनी चाहिए, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, इतने एक्टिव सिटीजन्स मिलके ये कुछ 50,000 लोग सिलेक्ट करते थे एज अ रिप्रेजेंटेटिव। दिस वॉज फर्स्ट लेवल, ठीक है। ये 50,000 लोग एक फर्स्ट लेवल पे समझ लीजिए, ये समझ लीजिए 28 मिलियन लोग है जो एक्टिव सिटीजन है। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग, एक्चुअली थे 4 मिलियन ही, बट एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए कि 28 मिलियन लोग है एक्टिव सिटीजन। तो एक्टिव सिटीजन मिलके 50,000 दूसरे इलेक्टर्स रिप्रेजेंट करेंगे, उनके रिप्रेजेंटेटिव जो आगे जाके एक बार और लोगों को इलेक्ट करेंगे। आपको देखिए, ये लोगों ने ये 50,000 को इलेक्ट किया, ये लोगों ने मिलके ये 745 मेंबर्स को इलेक्ट किया बाय वोटिंग ओनली, ठीक है, वोटिंग सिस्टम में फॉलो किया। और इससे क्या बना है, 745 मेंबर्स का इनका लेजिस्लेचर बना जो लॉस फॉर्म करेगी। ये लेजिस्लेचर क्या करती थी, दे वुड कीप द कंट्रोल ओवर द किंग, किंग के ऊपर कंट्रोल रखता था दिन भर ये लेजिस्लेचर, एंड इवन कंट्रोल ऑन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव बोलते तो कौन, डिफरेंट मिनिस्टर्स, रेल मंत्री, रोड मंत्री, ट्रांसपोर्ट मंत्री, एजुकेशन मंत्री, ये जो डिफरेंट डिफरेंट मंत्री थे उन पर ध्यान रखता था ये लेजिस्लेचर, एंड इवन ऑन एग्जीक्यूटिव दैट वॉज किंग। जुडिशियरी अपना सेपरेट था, वो अलग काम करता था। एंड किंग हैड वन स्पेशल थिंग दैट इज दिस वीटो पावर। क्या था ये वीटो पावर, अगर लेजिस्लेचर ने कोई लॉ फॉर्म किया, ठीक है, तो वो क्या तब उस अब वो लोग पहले राजा को बताएंगे कि भाई राजा सुन, हमने ऐसा ऐसा लॉ फॉर्म किया, अब तुमको ये लॉ को पास करना है, ठीक है। पर राजा के पास एक स्पेशल पावर थी, क्या थी वो स्पेशल पावर, वीटो पावर। वीटो पावर स्टैंड फॉर वॉट, वीटो पावर मीन्स कि राजा के पास फिर भी राइट रहेगा कि वो लॉ को पास करना है कि नहीं। अगर राजा ने बोल दिया कि ये लॉ पास नहीं होगा, मतलब वो लॉ पास नहीं होगा। तो हम इससे देख सकते हैं कि आखिर में भी रेस्ट ऑफ द पावर किसके पास ही थी,
राजा के पास ही थी। तो इनडायरेक्टली नेशनल असेंबली ने वापस वही काम किया। मैंने आपको एक्टिव सिटीजन्स का मतलब बताया, पैसिव सिटीजन्स का मतलब बताया, और एक और थिंग कि अगर आपको लेजिस्लेचर में जाना है, यानी समझ लो अगर मैं एक पीजेंट हूँ और मुझे लेजिस्लेचर में जाना है, तो मुझे सबसे ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी पोस्ट के लिए। मतलब अगर समझो मैं पीजेंट हूँ और अगर मेरा इफ आई से आई थिंक टू बिकम अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, वो 745 मेंबर्स में मेरा मन है इलेक्ट्रॉनिक का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो 745 मेंबर्स जितना टैक्स पे करना पड़ेगा। प्रेजेंट के लिए पॉसिबल है कि इतना ज़्यादा टैक्स पे करना, वो नहीं है। और इसका इनडायरेक्टली क्या होता है कि वो 745 मेंबर्स में भी कौन आते हैं, क्लर्जी और नोबिलिटी, मोस्ट ऑफ दी आते होंगे कुछ थर्ड स्टेट के भी, पर यू कैन इमेजिन किसका प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा, क्लर्जी एंड थर्ड स्टेट का। सो कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, उन्होंने डिक्लेयर किए कुछ राइट्स, लाइक राइट टू लाइफ, यानी हम किसी को भी मार नहीं सकते, लाइफ टू फ्रीडम, स्पीच, देन इक्वेलिटी बिफोर लॉ, और ऐसे कुछ नेचुरल लॉस और राइट्स थे जिन्हें बाय बर्थ मिलते थे। जैसे इंडिया में भी आप अगर बर्थ लेते हो तो आपको कुछ राइट्स बाय बर्थ मिलते हैं, वैसे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि ये जो जितने भी राइट टू लाइफ, फ्रीडम, स्पीच है, वो आपको बाय बर्थ मिल जाएंगे। और किसकी ड्यूटी थी, स्टेट की, कि इन लोगों के राइट्स वॉयलेट ना हो, यानी कोई इन्हें इन पे अत्याचार ना करे। अब ये कुछ सिंबल्स है, हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको टॉपिक वन में बताया था कि वहां पे जो बहुत सारे लोग थे वो अनपढ़ थे, मतलब उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था। क्यों? क्योंकि पीजेंट्स जो स्मॉल लोग थे उनके पास एजुकेशन सर्विसेज अवेलेबल ही नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कुछ ऐसे सिंबल्स फॉर्म कर लिए थे, और वो सिंबल्स देख के वो लोग समझ जाते थे कि वो क्या कहना चाहता है। जैसे फर्स्ट सिंबल था ब्रोकन चेन, तो ये ब्रोकन चेन क्या डिपिक्ट करता था, फ्रीडम। दिस वॉज बंडल ऑफ स्टिक्स, बंडल ऑफ स्टिक्स मीन्स यूनिटी। आपने बचपन में एक स्टोरी सुनी होगी, बहुत कॉमन है कि एक फादर अपने सन्स को, चार सन्स को एक एक स्टिक देता है और बोलता है स्टिक तोड़ दो, तो इजीली सब जन तोड़ देते हैं, बट जब फादर वो इस चारों स्टिक्स को कंबाइन करके एक एक को देता है तो तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो दैट इज इट मीन्स ये जो स्टिक्स है, बंडल ऑफ स्टिक्स है, उसका मतलब था यूनिटी अमंग्स देम, एन आई विद इन अ ट्राइंगल। ठीक है, इसका मतलब है कि आप कुछ भी गलत काम मत कीजिए, क्योंकि नो वन इज इग्नोरिंग यू, कोई आप पे कंटिन्यूसली ध्यान दे रहा है। ओके जैसे एक हैकर होता है ना, वो जिसको भी हैक करने वाला होता है उसका 24/7 चेक कर देता है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, वैसे ये आयरन ट्रायंगल थी जो आपको 24/7 देखती रहती है कि आप अगर कुछ गलत करो तो आपको वो रोके। ये स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट मतलब अपने अपनी मॉडर्न टाइम में जो दूरबीन होती है, तो पहले ट्रेडिशनली ऐसी वो लंबी खींचने वाली दूरबीन रहती थी, दैट वाज स्क्रिप्ट, तो वो सबके पास नहीं रहती थी, वो सिर्फ राजा ओगर के पास ही थी, वो लोग वॉर्स ओगर में यूज करते थे। तो उसके अकॉर्डिंग ये किसका डिपिक्शन था, रॉयल पावर का। स्नेक बाइटिंग इट्स ओन टेल टू फॉर्म अ रिंग, यानी वो हमेशा काटती रहेगा खुद को, दैट मीन्स सर्कल, एंड सर्कल डिपिक्स व्हाट, इटर्निटी, नेवर एंडिंग। ठीक है, तो रेड रेड कैप, ये कैप आपको आगे वाली यूनिट में भी दिखेगी क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंस है एक्चुअली। तो ये रेड कैप क्या डिपिक्ट करती थी, फ्रीडम। ओके, ब्लू, व्हाइट एंड रेड, तो ये जो फ्रांस है उसका नेशनल फ्लैग के कलर्स है ये, तो उसका डिपिक्शन है। द विंग वीमेन पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ, ये आपको इजीली तब समझेगा, आप कभी इंडियन कोर्ट का फोटो देखे हो क्या, एक अदालत करके शो आता था टीवी पे, उसमें आपको दिखती होगी ना व्हाइट लेडी जिसके आंखों पे काली पट्टी बंधी होती है, दैट स्टैंड फॉर जुडिशियरी, की मैं किसी का पक्षपात नहीं करूंगी, और इक्वली उसके हाथ में तराजू होता है, दैट स्टैंड फॉर इक्वेलिटी, कि मैं किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दूंगी। सो वो लेडी है ना इंडियन कोर्ट में,
वैसे ये फ्रांस की कोर्ट की विंग वुमेन थी जो डिपिक्ट करती थी लॉ को. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट दिस लॉ टैबलेट विच डिपिक्टेड इक्वलिटी कि सब जन लॉ के सामने इक्वल है. ओके नाउ हियर मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने हैं. सो फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज ये सम इम्पोर्टेंट डेट्स का जो आपको यहाँ पे ये बॉक्स दिख रहा है दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट. ठीक है ये बॉक्स एक्चुअली आपने अभी तक पूरा चैप्टर पढ़ा नहीं इसलिए आपको सारे ईयर्स में क्या क्या हुआ आपको अभी तक पता नहीं. बट ये बॉक्स का क्वेश्चन यूजुअली आता है दे विल टेल यू कि आपको दे देंगे वो ये जितने भी साल है जैसे 1774, 1789, 1791, 1792, 93, 1804 ये सब पांचों साल दे देंगे और बोलेंगे कि लिखो कौन से साल में कौन कौन सा इंसिडेंट हुआ था मेन. ठीक है तो वो बॉक्स एक बहुत जरूरी है. एक आपको ये आ सकता है कि एक्सप्लेन द वोटिंग सिस्टम इन लुई 16 इन फ्रांस. ठीक है ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. देन दिस वन ओके कि नेशनल लुई 16 ने कैसे फाइनली एक्सेप्ट कर लिया द रूल्स मेड बाय नेशनल असेंबली. ये वन मार्क के लिए आ सकता है. फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 5 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है कि बताओ फ्रांस जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की कैसे बना. तो इसमें आपको पूरा पहले स्टार्टिंग का थोड़ा सा बताना पड़ेगा एक दो पॉइंट कि क्या हुआ जिसे लुई 16 ने एक्सेप्ट कर लिया नेशनल असेंबली का फॉर्म हुआ कॉन्स्टिट्यूशन. एंड देन यू नीड टू एक्सप्लेन लिटिल बिट कि वो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी फिर उनका जो एक था मोटिव की टू लिमिट द पावर्स ऑफ मोना. फिर आपको ये वाला चार्ट समझाना पड़ेगा उसके अंदर. देन यू नीड टू एक्सप्लेन वॉट इज एक्टिव सिटीजन एंड वॉट इज पैसिव सिटीजन दोनों का मतलब क्या होता है आपको वो भी बताना पड़ेगा. ठीक है फिर वो एक्टिव सिटीजन बनने के लिए कंडीशंस जो है आपको वो भी बताना पड़ेगा आपको. फिर इफ यू वॉन्ट यू कैन एक्सप्लेन कि वो आपको जो समझाया था कि इनडायरेक्टली नोबिलिटी और क्लर्जी ही फॉर्म हो रहे हैं ऑन टाइम ऑन द हायर पोस्ट आप वो भी समझा सकते हो इफ यू हैव अ टाइम. ओके वो पॉइंट गलत नहीं है आपके पास अगर टाइम हो तो आप लिख सकते हो. एंड इट विल बी दिस कि उन्होंने जो राइट्स दिए थे सबको. ओके तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया. ये सिम्बल्स जनरली पेपर में पूछे नहीं जाते पर आप अगर कभी कोई आंसर लिख रहे हो जिनमें ये सिम्बल्स का कोई रिलेवेंस है तो आप ये सिम्बल्स मेंशन कर सकते हो जिससे आपका आंसर एक क्या बोलेगे सिस्टमेटिक और थोड़ा सा इससे नॉलेजफुल लगेगा. ठीक है सो हियर आई कंप्लीट टॉपिक टू. अगर आपको कोई भी डाउट हो इस टॉपिक टू में तो नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें ज़रूर कमेंट कीजिए. अगर मुझे कुछ अगर आपको लगता है कि मैं जो जिस तरह से आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ उसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो. ठीक है इफ़ पॉसिबल फॉर मी मैं उसे ज़रूर इम्प्लीमेंट करूँगा. इफ़ यू आर अ गुड सब्सक्राइबर एंड थिंक्स फॉर वेल एंड यू आर वेल विशर ऑफ माइंड सो यू शुड डेफिनेटली कमेंट बिलो. ओके ये जो टॉपिक 3 है फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स रिपब्लिक मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा. उससे पहले आप टॉपिक 2 खुद से एक बार पढ़ लीजिए. अगर आपके पास इस लॉकडाउन के कारण टेक्स्ट बुक अवेलेबल ना हो तो आपको एनसीईआरटी के साइट पे जो है ये बुक्स अवेलेबल है. फिर भी आपको अगर ना मिले तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस टेक्स्ट बुक की लिंक भी प्रोवाइड कर रहा हूँ. आप चाहो तो उधर से टेक्स्ट बुक डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो. और आप मेरी टेक्स्ट बुक अगर यूज़ करोगे तो आपको ये जो की पॉइंट्स जो हाइलाइटेड है ना वो भी मिलेंगे तो आपका काम तो आसान हो गया जी. इसके लिए मुझे थैंक यू बोलिएगा. और थैंक यू कैसे बोलते हैं आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब माय चैनल हिट द लाइक बटन एंड प्रेस दैट बेल डिंग 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 डिंग. बेल को प्रेस करने का फायदा ये होगा कि आपको मेरे कोई भी वीडियो अपलोड होने पे इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलेगा. ओके तो अगर आपको अब भी रिपीट करता हो कोई डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए. एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स रिपब्लिक. ओके अगेन सब्सक्राइब माई चैनल.
थैंक यू एंड बाय एंड प्लीज वॉच दिस वीडियोस। अगर पढ़ाई करोगे तो महान बनोगे, लिखोगे पढ़ोगे तो बनोगे महान। ओके MS धोनी मूवी देखी है ना आप सबने? चलिए थैंक यू। एंड वन मोर थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल, सॉरी आई फॉरगॉट, कि आपके थोड़े एग्जाम के बाद अगर प्रॉब्लम होती हो इतना बड़ा चैप्टर पढ़ने में, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़े बड़े हैं SST के, तो मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं SST के नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन पूरा चैप्टर है, आपको उसके पूरे नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से नोट्स भी ले लें, प्लस मैं उसके अंदर एक PPT भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे आपको इजी नॉलेज मिल जाएगा पूरे चैप्टर का। ओके तो प्लीज आप उसके थ्रू जाइए एंड आई गारंटी इट, वो नोट्स पढ़ के आपको एग्जाम टाइम पे चैप्टर बहुत इजीली रिवाइज होगा। इसका मतलब ये नहीं निकलता आप चैप्टर नहीं पढ़ोगे। ओके आपको चैप्टर पहले पढ़ना है और फिर एग्जाम टाइम पे सिर्फ रिविजन के लिए मेरे नोट्स यूज करना है। ओके थैंक यू एंड बाय।